हो गया है इंडिया का त्योहार और ये इकलौता ऐसा त्योहार है जहां पर प्यार नहीं दंगे होते हैं दंगे, और स्पेशली तब जब मैच हो चेन्नई और मुंबई का। ये कोई आम मैच नहीं है, ये एक ऐसा मैच है जो जिगरी दोस्तों को दुश्मन बना सकता है और जानी दुश्मन को दोस्त। लोग प्यार से इस मैच को एल क्लासिको बोलते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। शुरू के ओवर में स्कोर देखकर यही लग रहा था चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेलने आई है। पर यार ये काफी गलत बात है, हमें किसी ने बताया नहीं इंडिया और इंग्लैंड का फिफ्थ टेस्ट मैच जो कैंसिल हुआ था वो दुबई में होगा। सही में भाई इतनी खतरनाक बॉलिंग तो टेस्ट मैच में भी नहीं होती। और भाई सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस के ऊपर केस करना चाहिए, मतलब ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलने और जसप्रीत बुमराह इतने खतरनाक बॉलर, वो भी एक साथ एक ही टीम में। और भाई चलो खतरनाक बॉलिंग करते एक बार को समझ भी आता है, ये तो मारने मरने पे आ गए यार, अपने रायडू भाई का हाथ ही तोड़ दिया, उनकी क्या गलती थी, वो भी बस यही बोल रहे हैं मुझे क्यों तोड़ा। और चेन्नई सुपर किंग्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो तो रुतराज भैया ने इज्जत बचा ली। और बेचारे मुंबई इंडियंस के फैंस भी क्या मुंह दिखाएंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, एक बच्चे से हार गए। सही में भाई बुमराह भाई को ऐसे शॉट्स अगर एबी भैया मारते तो एक बार को समझ भी आता, दिल को समझा भी लेते, चलो भाई कोई नहीं। पर ये गायकवाड़ भाई किस लाइन में आ गए, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। मैच काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था और इतने में कोहली भैया ने एक और बम फोड़ दिया। पहले तो अनुष्का भाभी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है विराट भैया का फोन छीनो, वरना जिस हिसाब से ये बम फोड़ रहे हैं आरसीबी के फैंस घर से नहीं हॉस्पिटल से मैच देखेंगे। इतने खतरनाक बम फोड़ने के बाद अब तो भाई काफी डर लग रहा है यार, कहीं रिटायरमेंट का बम ना फोड़ दें। मुंबई की बैटिंग देखकर समझ ही नहीं आ रहा था मुंबई के प्लेयर्स मुंबई के लिए खेल रहे हैं या फिर चेन्नई के लिए। और मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कृणाल भैया का रन आउट, और उसके बाद तो सौरभ तिवारी कांपने लगा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था भाई वो कृणाल भैया का गुस्सा कैसे फेस करेगा। और इस चक्कर में बेचारे सौरभ तिवारी बैटिंग करना ही भूल गए और चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच बड़ी आसानी से जीत गई। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।